उत्तराखंड के लालकुआ के हल्दूचोड़ और गोमती नगर में बनने जा रहा लोगों के लिए नए अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें नैनीताल सीएमओ भागीरथी जोशी, उनकी टीम ने बारीकी से नए अस्पताल के कामों को देखा और परखा और जाना कि कितना काम इसमें हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। आपको बता दें कि लालकुआ में पहली बार 32 बेड का अस्पताल सीएचसी, साथ ही 200 बेड का अस्पताल अलग अलग जगह पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम सभी प्रकार की सुख सुविधा और मशीनें होंगी, जिससे किसी भी मरीज को इलाज कराने बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सभी का इलाज इन अस्पतालों में होगा। भागीरथी जोशी सीएमओ ने बताया कि जल्द ही यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा और इसी साल जनता को समर्पित किया जाएगा और इस प्लान में तमाम प्रकार की सुविधा होंगी, जिससे मरीजों का इसी अस्पताल में इलाज हो सकेगा। काफ़ी कुछ बन चुका है, थोड़ी बहुत इसमें आज निरीक्षण के दौरान जो पाया गया है कुछ चीज़ें ऐड करवाई गई हैं और जल्द ही ये जनता को समर्पित होगा, लेकिन पदों का प्रस्ताव अभी गया हुआ है शासन में। किस तरह का अस्पताल है? सीएचसी है, 30 बेड की सीएचसी। आयुर्वेदिक है? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बगल में। इसके अलावा जो मोटा गोरा पड़ाव में बन रहा है वो कैसा अस्पताल है और वो कब तक समर्पित हो जाएगा? गोरा पड़ाव में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, केंद्र पोषित योजना के तहत बन रहा है और 1.5 साल की अवधि निर्माण इकाई ने हमें दे रखी है, जिसमें 7-8 महीने निकल चुके हैं, तेजी से बन रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।